अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हलीम की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, उसमें मैं ये चारों दालें आधा किलो यूज़ कर रही हूँ। इन्हें मैंने साफ करके 5 मिनट के लिए पहले भिगो दिया था, अब मैंने उसका पानी फेंक दिया है। एक पाव में इसमें दलिया यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं टर्मरिक पाउडर पीसी हुई हल्दी, 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च एंड 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और यूज़ कर सकते हैं। 5 पीस गार्लिक के, थोड़ा सा जिंजर, 4 ग्रीन चिलीज हरी मिर्च, 1 छोटी प्याज, 1 किलो चिकन, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 कप दही और 1 बड़ा कप कुकिंग ऑयल। 2.5 जग मैंने इसमें पानी ऐड किया है। हाई फ्लेम पे मैं दालों को और दलिया को गलने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी, पहले ये दालें ऐड करूँगी और दालें ऐड करने के बाद मैं इसमें दलिया ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे मैं इसे ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देती हूँ। जब ये बॉयलना शुरू हो जाएगा फिर हम इसकी लो फ्लेम कर देंगे। तो मैंने पकने के लिए रख दिया है, जब तक दालें पकती हैं तब तक हम चिकन भून लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ये मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ। पाँच मिनट के बाद ये बॉयल होना शुरू हो गई है। अब मैं इसे नीचे लो फ्लेम कर दूंगी और इसे पकने के लिए रख दूंगी जब तक ये गल ना जाए। दालें गलने के लिए मैंने रखी हुई हैं, तब तक हम चिकन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी इसके अंदर, चिकन ऐड करूंगी। कुकिंग ऑयल मैंने चिकन ऐड कर दिया है, ये सारे मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए थे। स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड कर लूंगी मैं और दही, और इसे मीडियम फ्लेम पे मैं भून लूंगी अच्छे से। चिकन पकना शुरू हो गया, अब मैं इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी, तब तक चिकन गल जाएगा, फिर हम इसे घोंट लेंगे। चिकन को पकने के लिए रखा हुआ है, साथ ध्यान रखें कि ये नीचे से लगे नहीं। जब अच्छे से गल जाएगा फिर हम इसे घोंट लेंगे। बस थोड़ी सी देर रह गई है, फिर चिकन भी बनके तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसे घोट लूंगी। चिकन में अभी थोड़ी सी कसर है गलने के लिए, इसे 20 मिनट हो गया मैंने पकने के लिए रखा हुआ है। दाल अभी थोड़ी थोड़ी सी कच्ची है, इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। जब ये अच्छे से गल जाएगी फिर हम इसे घोट लेंगे। के बाद मैंने आपको दिखाया था इसकी दालें भी कच्ची थी, 10 मिनट मैंने इसे और पकाया। ये देखें अब ये तकरीबन गल चुकी है, अब हम इसे अच्छे से घोट लेंगे। इसे मैं अच्छे से घोट रही हूँ, इसके नीचे मैंने अभी लो फ्लेम रखी हुई है, मैंने फ्लेम इसकी बंद नहीं की है। चिकन बन के तैयार हो गया है, अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे अच्छे से घोट लूंगी। इसके रेशे अलग अलग हो जाएंगे, रेशे अलग करने के लिए मैं इसे अच्छे से घोट लूंगी। दाल को और दलिया को मैंने तकरीबन घोट लिया है, अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। उसे ऐड करने के बाद मैं उसे भी घोट लूंगी अच्छे से।
को अच्छे से घोट लिया था और तकरीबन दाल और दलिया को भी अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद अब मैं इसे थोड़ी देर घोटती रहूँगी। इसके नीचे मैंने लो फ्लेम रखी हुई है, चूल्हा पूरा बंद नहीं है। हलीम को गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे लेमन यूज़ किया है, टमाटोस, ग्रीन चिलीज बारीक बारीक मैंने इसे कट कर लिया है, बारीक कुटा हुआ हरा धनिया और जिंजर इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1.5 कुकिंग ऑयल इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था और इसे थोड़ा सा पका लिया था। इसे मैंने तरी के तौर पर बना लिया ऊपर डालने के लिए। ऐसे लगातार घोट रही हूँ जब तक ये तैयार नहीं हो जाता। ये देखें, ये इसकी हल्की हल्की सी लेस बननी शुरू हो गई है, बस थोड़ी देर में हलीम बन के तैयार हो जाएगा। मैं साथ साथ इसे घोट रही हूँ और मैंने अब इसके नीचे हाई फ्लेम कर दिया। पहले मैं इसे लो फ्लेम पे पका रही थी। इसे अच्छे से घोट लें, ध्यान रखें ये नीचे से लगे नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी इस तरह की और वीडियोस मिल सकें। इसमें मैं घोट रही हूँ, मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूंगी। और कुछ हम गार्निश करने के लिए प्लेट के ऊपर ऐड कर देंगे। ये लगातार मैं इसे घोटती रही हूँ, देखें ये पकना शुरू हो गया है, अब हलीम बन के तैयार है। मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूँगी। मैंने इसका नमक टेस्ट किया, मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है। मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। आप चेक कर लें, अगर आपको कम नहीं लगे तो आप नहीं ऐड करें, और अगर आपको कम लगे तो आप और नमक ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मज़ेदार हलीम की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसे फरमाइश पे बनाया था, मैंने आपको इसकी आज आसान रेसिपी बताई, आप इसे ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोज़ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।